बस्तर पुलिस जवान जहां एक ओर नक्सलियों के खिलाफ संवेदनशील इलाकों में मोर्चा संभाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब खेल जगत में भी बस्तर पुलिस के जवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मई 2022 में मास्टर गेम्स फेडरेशन द्वारा केरल में आयोजित नेशनल गेम्स में वेटलिफ्टिंग कम्पिटिशन की 64 किलोग्राम कैटेगरी में बस्तर पुलिस की महिला आरक्षक पूर्णिमा ठाकुर ने गोल्ड मेडल जीता है। पूर्णिमा ठाकुर की इस कामयाबी से पुलिस विभाग गौरवान्वित तो है ही, साथ ही किसी महिला जवान के वेटलिफ्टिंग खेल में इस तरह अव्वल प्रदर्शन करने पर साथी जवानों के लिए खुशी और प्रेरणा स्रोत पूर्णिमा बनी हुई है। पूर्णिमा की इस कामयाबी ने साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर परिश्रम के आगे बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। लक्ष्य साधिए और मेहनत कीजिए, मुकाम हासिल होना तय है। पूर्णिमा की कामयाबी क्या कहानी काफी प्रेरणादायक है। बता दे कि सीजर ऑपरेशन के बाद पूर्णिमा खेल से दूर हो गई थी, लेकिन बीते 2 सालों में पूर्णिमा ने नए सिरे से फिर से मेहनत शुरू की और मेहनत रंग भी लाई। केरल में आयोजित हुए वेटलिफ्टिंग कंपटीशन 64 कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त किया। पूर्णिमा बताती है कि वह रोज 3 घंटे प्रतिदिन अपने खेल को निखारने के लिए पसीना बहाती है। अपने खेल के साथ ही पूर्णिमा अपना पर्याप्त समय ड्यूटी को भी देती है। इसके लिए पूर्णिमा अपने विभाग के उच्च अधिकारी आईजी बस्तर सुंदरराज पी बस्तर एसपी और एडिशनल एसपी को भी श्रेय देती है। सर, अभी केरल में जो नेशनल गेम्स हुआ था उसमें मैं गोल्ड वेटलिफ्टिंग में गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। वहाँ समथिंग 2000 से ऊपर मतलब स्टूडेंट थे और सीनियर भी बोलना चाहिए, और पावर लिफ्टिंग भी था वहाँ। तो पावर लिफ्टिंग तो मैं खेलती नहीं हूँ, तो पावर लिफ्टिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वेट लिफ्टिंग में ही पार्टिसिपेट किया है। तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल रहा है। सर, समय तो लगा है ना, अभी 2 साल हुआ स्टार्ट करी हूँ मैं। पहले तो छोड़ दी थी कि वेट लिफ्टिंग नहीं करूँगी ऐसा करके, सीजर वगैरह हुआ था। तो अब स्टार्ट करी हूँ तो उसको, अभी पुलिस गेम है तो लास्ट मेरा पुलिस गेम ही रहेगा मेडल लेके, फिर कंटिन्यू स्टार्ट। सर, मेरा तो समथिंग 3 घंटा रहता ही है, अपना वर्कआउट के लिए 3 घंटा मैं निकालती हूँ और ड्यूटी टाइम ड्यूटी करती हूँ। और जैसे कि मतलब एक्स्ट्रा अगर मेरे को करना है तो उसके लिए भी टाइम निकल ही जाता है। सर, पुलिस विभाग का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और आईजी सर, एसपी सर, एडिशनल सर का मतलब मेरे को लेके बोलते हैं कि आप कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए उसको, और हमारे विभाग का नाम रोशन कीजिए। तो मतलब उम्मीद है और भी कुछ करना चाहते हैं? हाँ सर, अभी तो गोल्ड मेडल के बाद अभी उसका इंटरनेशनल का तैयारी करना है मेरे को। अभी क्वालिफाई थोड़ा सा कम है मेरा, तो क्वालिफाई जरूरी है उसमें सिलेक्शन के लिए। थक तो जाती हूँ सर, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ, है ना, ऐसा नहीं है, टाइम मिल जाता है। वैसे बच्चे के बच्चे जो आपको संदेश देना चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ बस्तर के जितने बच्चे हैं वेटलिफ्टिंग में, तो यहाँ से बस्तर से मैं किसी को देखी नहीं हूँ कि वेटलिफ्टिंग करते हुए, तो मैं यही चाहती हूँ कि जो बच्चे अगर करना चाहते हैं, जिनको वेटलिफ्टिंग में रुचि है, तो या तो मतलब कोई अच्छा सा गाइड देखे, या तो अगर करना चाहते हैं तो मैं खुद उनको सपोर्ट करूंगी इस चीज़ के लिए कि यहाँ से बच्चे निकले। और जैसे लड़के हैं तो वो नशा के उसमें ज़्यादा रहते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि अपना नशा पानी छोड़ के गेम में रुचि दिखाएं, चाहे वो कोई भी गेम हो, चाहे वेटलिफ्टिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, या फुटबॉल हो, जो भी हो। तो मैं बस्तर के बच्चों के लिए यही चाहूँगी कि यहाँ से बस्तर से कई बच्चे निकले और अच्छा से यहाँ मतलब कर सके और अपना प्रतिभा दिखाएं। बस्तर की महिला आरक्षक पूर्णिमा ठाकुर की इस कामयाबी से विभाग के उच्च अधिकारी भी खुद को काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने कहा, विभाग के लिए पूर्णिमा की यह कामयाबी काफी मायने रखती है। पूर्णिमा ने विभाग के साथ ही बस्तर का नाम रोशन किया है। मई 2022 में केरल राज्य में
आयोजित मास्टर गेम्स फेडरेशन द्वारा 64 kg वेटलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में बस्तर पुलिस की महिला आरक्षक पूर्णिमा ठाकुर द्वारा पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जीता गया। ये उपलब्धि बस्तर पुलिस के लिए काफ़ी गौरव की बात है। इसके अलावा पूर्व में भी बस्तर पुलिस के अनेक खिलाड़ी हैं जो अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके मेडल्स पर जीता है। साथ साथ बस्तर क्षेत्र के युवा युवती द्वारा भी आर्चरी, वेटलिफ्टिंग, एथलेटिक्स एवं अन्य इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करके काफ़ी उपलब्धि हासिल की गई थी। ये सब बस्तर क्षेत्र के बदलता परिस्थिति का एक परिणाम है। हमें उम्मीद है आने वाले समय में भी बस्तर क्षेत्र की युवा युवती साथ साथ जो पुलिस विभाग में तैनात हमारा स्टाफ भी इस प्रकार के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ अपना नाम रोशन कर सकता है साथ साथ बस्तर क्षेत्र का भी नाम रोशन करते हुए इस इलाका में एक सकारात्मक परिवर्तन लेने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। निश्चित रूप से इस प्रकार का हमारा जो स्टाफ द्वारा हासिल की जा रही उपलब्धि है बाकी युवा युवती और बालक बालिका के लिए भी काफ़ी एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा। और इसी हिसाब से विगत वर्षों में बस्तर क्षेत्र में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और अलग अलग इवेंट्स के लिए खिलाड़ियों का अवसर प्रदान करने के दिशा में भी काफ़ी कार्य किए गए थे। हमें उम्मीद है आने वाले समय में काफ़ी टैलेंट्स सामने आएगा ताकि बस्तर क्षेत्र का जो इसमें जो वर्तमान जो परिस्थिति है इसमें जो स्पोर्ट्स में जो उपलब्धि प्राप्त हो रहा है उसी के कारण से एक सकारात्मक परिस्थिति एक परिणाम को देखने के लिए मिलेगा।